सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी युग पानी। नमस्कार, मैं शेखर सुमन बिहार के मुजफ्फरपुर से संकल्प उन्नयन साहित्यिक चैनल के समस्त श्रोताओं बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के कुछ अंशों का पाठ करने जा रहा हूँ। सर्वविदित ही है कि महिषासुर नामक राक्षस का वध करने वाली माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाला यह पद्य मानव हृदय को आनंदित एवं आह्लादित करता है। इस पद्य में शिव तांडव की तरह ही शब्द का स्वरूप बहुत ही बड़ा है, परंतु प्रवाह इतना मधुर है कि बार बार सुनने को मन करता है। तो आइए हम इसका पाठ करते हैं कुछ अंशों का, जो इस प्रकार है। अय गिरी नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध शिरोधिनी वाशिनी विष्णु विलासिनी जेष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दनी शैलसुते सुरवर वर्षनि दुर्धर धर्षनि दुर्मुख मर्षनि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि क्लंब शमोषिणि वोषरते दनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय मानुष वाशरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटब भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते अयि निज हुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन ध्रुम्र शते समर विशोषित रोषित शोषित बीज समुद्भव बीजलते शिव शिव शंभु निशुंभ महाहव तपित भूत विशाचरते जय जय हे महिषा सुरमर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते अईषत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपुर गंज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित भुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते ऐरन दुर्मद शत्रु विदोदित दुर्धर निरजर शक्तिवृते चतुर विचार धुरीन महाशिव दूत कृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुर्याशय दुरमति दानव दूत कृतांत मते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दनि शैलसुते अयि सुमनः 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 सुमनोहर कांतियुते श्रितरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दनि शैलसुते। और अपने व्याख्यान को समाप्त करने से पूर्व मैं आदरणीय विवेक सर का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया जिसमें मैं अपनी बातों को रख सका। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। साहित्यिक विषयों पर चर्चा परिचर्चा का यह दौर निरंतर जारी रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।